तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। लियो ने कल डे 7 शानदार तरीके से कंप्लीट करते हुए आज 8वें दिन में सॉलिड एंट्री मार ली है। मैं कह रहा हूँ रॉयल एंट्री मार ली है। देखो वर्किंग डेज स्टार्ट होने के बाद भी आज वर्किंग डे का थर्सडे चल रहा है और इसके बाद भी मूवी जबरदस्त कलेक्शन कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हेट्स भी भरपूर मिल रही है इस मूवी को। हेटर्स की मैं कह रहा हूँ कोई कमी नहीं हो रही है। जब मूवी रिलीज नहीं हुई थी उस टाइम पर मूवी को फ्लॉप बोला जा रहा था रिलीज होने से पहले ही, और कई जगह तो अभी ये भी ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि यस यार फ्लॉप हो गए हैं, थिएटर्स खाली हैं, लेकिन मेकर्स बेकार की क्या कहते हैं अपडेट निकाल रहे हैं, बेकार के नंबर्स दे रहे हैं। तो यही चीज़ सब ट्रेंड कर रहा है, हेट मतलब ज़बरदस्त तरीके से फैलाई जा रही है। दूसरी चीज़ ये होता ही है, ऐसा नॉर्मली होता है कि कोई भी मूवी या फिर कोई भी चीज़ अगर हिट होती है तो उसके अपोजिट में बहुत से लोग आ जाते हैं उसको नीचे खींचने के लिए। तो ये दुनिया का नियम है, ये अपनी सोसाइटी का नियम है। तो भाई साहब लियो ज़बरदस्त काम कर रही है, ज़बरदस्त तरीके से कमाई कर रही है। इसकी स्टार कास्ट अमेजिंग है, इसकी स्टोरी लाइन अमेजिंग है, पब्लिक की तरफ से ऑलवेज पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं। लोकेश कनकराज डायरेक्शन की दाद दी जा रही है, बाय गॉड इस बंदे ने कमाल का काम किया है। स्टोरी लाइन ऑसम है, एक्शन ही नहीं देखने को मिला है, एक्शन के साथ हमें बहुत कुछ देखने को मिला है। पहले 3 दिन में ही तमिल लैंग्वेज से इस मूवी ने 110 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था, तेलुगु से 21 करोड़ का कलेक्शन हो चुका था और कन्नड़ा से 40 लाख, हिंदी से 6 करोड़ 75 लाख और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन हो चुका था पहले 3 दिन में ही 140 करोड़। ग्रॉस कलेक्शन 164 करोड़, ओवरसीज से 125 करोड़ और पूरी दुनिया से ये मूवी पहले 3 दिन में ही 290 करोड़ के मार्वलस आंकड़े को अपने खाते में रख चुकी थी। इसी के साथ चौथे दिन भी सॉलिड कमाई करी, चौथे दिन भी ज़बरदस्त कमाई करी है और पाँचवें दिन भी ज़बरदस्त कमाई करी है। और चौथे और पाँचवें दिन में दशहरा का हॉलीडे का मिला था उसका भी ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया है। बात करें लियो के डे 6 में कैसी कमाई रही, तो डे 6 में भी ज़बरदस्त कमाई करी। पहले 6 दिन का बताऊँगा, पहले 6 दिन में ही इस मूवी ने टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 250 करोड़ कम्प्लीट कर लिया था और तमिल से इस मूवी ने 203 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। तमिल से बहुत ज़्यादा कलेक्शन इसलिए भी देखने को मिल रहा है क्योंकि तमिल ओरिजिनल लैंग्वेज है और इसको कवरअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जवान में हमने क्या किया था, जवान में हिंदी लैंग्वेज को कवरअप किया था और बाकी डबिंग लैंग्वेज को इतना ज़्यादा कवरअप नहीं किया था। तो ओरिजिनल लैंग्वेज में ये कितना कमा रही है ये मायने रखता है, और यस तमिल लैंग्वेज में इसने फाड़ के रख दिया है। थालापति विजय के करियर की ये पहली मूवी है जो इतना भयंकर कलेक्शन लेके आ रही है। लोकेश कनकराज डायरेक्टर की ये पहली मूवी है जो इतना भयंकर कलेक्शन लेके आ रही है। इससे पहले विक्रम थी, विक्रम का भी कंटेंट सुपर सॉलिड था। हाँ विक्रम का कंटेंट इससे थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन ये थालापति विजय और लोकेश कनकराज जब ये दोनों कॉम्बो एक साथ मिले तो भाई साहब सॉलिड बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब का काम कर रहे हैं। दैट्स वाई कि ये मूवी इतना ज़्यादा कलेक्शन कर रही है। तो टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 250 करोड़ पहले 6 दिन में हो गया, ग्रॉस हुई 293 करोड़, ओवरसीज से पहले 6 दिन में 165 करोड़, और पूरी दुनिया से मूवी 458 करोड़ का मार्वलस आंकड़ा अपने खाते में रख चुकी थी। लेकिन एक पोस्टर ये भी डाला गया अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेशन करते हुए, 506 करोड़ का कलेक्शन पहले 6 दिन में ऐसा दिखाया जा रहा है, 506 करोड़ का कलेक्शन। आई डोंट नो कि ये ऑफिशियली मेकर्स की तरफ से रिवील हुआ या फैन मेड है, बट ऑफिशियली बॉक्स ऑफिस इंडिया की बात करें, उसके कलेक्शन की बात करें, तो ये मूवी पहले 6 दिन में 458 करोड़ कंप्लीट कर रही है। बट 506 करोड़ का ये पोस्टर निकला है, ये शायद फैन मेड ही हो सकता है, क्योंकि अगर ऑफिशियली ये आता तो भाई साहब ऑफिशियल पेज में हमें देखने को मिलता। खैर बात करें कल यानी डे 7 कैसा रहा, तो भाई कल तो प्रॉपर वर्किंग डे था जिसका हेटर्स भी काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हेटर्स को चाहिए हेट फैलाने का एक मौका। देखो प्रॉपर वर्किंग डे में सभी मूवी की कमाई स्लो हो जाती है, अभी तक आते आते जवान मूवी भी बहुत डिप खाने लग गई थी, लेकिन उतना ज़्यादा फ़र्क उसे नहीं पड़ा था। पठान के टाइम पर भी ऐसा हुआ, KGF 2, बाहुबली 2, कोई भी मूवी आप ले लो, प्रॉपर वर्किंग डेज में इन सारी मूवीज़ की कमाई ग्रोथ स्लो हो ही जाती है। ग्रोथ कब बढ़ती है, फ्राइडे लास्ट इवनिंग और नाइट के टाइम पर, सैटरडे को ग्रोथ बढ़ती है और संडे को ग्रोथ बढ़ती है, उसके बाद जब मंडे से वर्किंग डे स्टार्ट हो जाती है वहाँ से ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो भाई साहब तमिल से इस मूवी ने कल 12 करोड़ कमाए हैं और सॉलिड कमाए हैं। देखो प्रॉपर वर्किंग डे में भी डबल डिजिट आना कोई मामूली बात नहीं है, वो भी एक तमिल जैसे लिमिटेड लैंग्वेज के लिए। साउथ का रीजन कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत लिमिटेड है, कन्नड़ा में इसको इतना भाव नहीं मिल रहा है, तो तमिल लैंग्वेज से बहुत अच्छा कलेक्शन देखने को मिला।
तेलुगु से 2 करोड़, कन्नड़ा पर प्लस हिंदी से 1 करोड़ और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन कल आया है 15 करोड़। ग्रॉस वहीं रहा है 20 करोड़, ओवरसीज से आया 5 करोड़ और पूरी दुनिया से 25 करोड़ ये मूवी कमाते नजर आई है। तो भाई साहब पहले 7 दिन में तमिल लैंग्वेज से 215 करोड़ हो जाता है, टोटल नेट इंडियन कलेक्शन का लैंड ऑफ द डे तक 265 करोड़ हो जाता है। ग्रॉस कलेक्शन वहीं कल 313 करोड़, ओवरसीज से 170 करोड़ और पूरी दुनिया से ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक 430 करोड़ का ह्यूज एंड मार्वलस आंकड़ा अपने खाते में रख चुकी थी कल एंड ऑफ द डे तक पूरी दुनिया से। बात करें आज यानी वेडनेसडे यानी आज 8वें दिन कैसी ग्रोथ है, तो भाई आज भी प्रॉपर वर्किंग डे है और अब प्रॉपर वर्किंग डे है, आज पूरा थर्सडे का प्रॉपर वर्किंग डे है, लेकिन अब थोड़ा डिप देखने को मिल रहा है और इतना ज़्यादा डिप भी देखने को नहीं मिल रहा है। कल की तरह आज भी रुझान चलते नजर आ रहे हैं, तो आज भी जबरदस्त कलेक्शन कर रही है मूवी नो डाउट। आज तमिल हिंदी और सारी लैंग्वेज को मिलाकर ये मूवी आज नेट इंडियन कलेक्शन लगभग में लगभग 14 से 15 करोड़ कमाते नजर आ रही है और ग्रॉस कलेक्शन वही लगभग 19 से 20 करोड़ के आसपास दिख रहा है, ओवरसीज से लगभग 5 से 6 करोड़ का कलेक्शन आता नजर आ रहा है और पूरी दुनिया से ये मूवी आज एंड ऑफ द डे तक 24 से 26 करोड़ के आंकड़े के आसपास कमाते नजर आ रही है। तो अब टोटल पहले 8 दिन में नेट इंडियन कलेक्शन कितना हो जाएगा, 280 करोड़। ग्रॉस कलेक्शन वहीं हो जाएगा पहले 8 दिन का 333 करोड़, ओवरसीज से 175 करोड़, पूरी दुनिया से मूवी आज 500 करोड़ के क्लब में एंट्री मार लेगी और सॉलिड रॉयल एंट्री मार लेगी। 508 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन आज एंड ऑफ द डे तक ये मूवी हो जाएगा, कमा लेगी अगर ये सारे रुझान हमें एज इट इज़ देखने को मिल गए तो। तो भाई साहब मूवी ऑसम ग्रो कर रही है, ज़बरदस्त ग्रो कर रही है, पब्लिक की तरफ से बहुत अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं, क्रिटिक्स की तरफ से भी काफ़ी अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं, यूट्यूबर्स ने मैं कह रहा हूँ बहुत से यूट्यूबर्स ने मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स ने इसको पॉजिटिव रिव्यू ही दिए हैं, किसी ने भी इसकी कोई बुराई नहीं करी है। क्योंकि देखो जो कंटेंट ज़बरदस्त है, जो सही है वो सही है, उसके लिए ही फेवर में जाएंगे। और यस लोकेश कनगराज और थालापति विजय का जो ये कॉम्बो आया है भाई साहब एटॉमिक बॉम्ब की तरह फटा है और ज़बरदस्त तरीके से फटा है। क्योंकि थालापति विजय के करियर की कोई भी आप प्रीवियस मूवी उठा के देख लीजिए, किसी भी मूवी ने इतनी सॉलिड ग्रोथ नहीं करी है। हालांकि मूवीज उनकी ब्लॉकबस्टर रही हैं, बहुत पॉपुलैरिटी में रही हैं, बट ऐसी कमाई ऐसी ग्रोथ नहीं करी है। लोकेश कनगराज की विक्रम मूवी मैं कह रहा हूँ सॉलिड कंटेंट है, उसके बावजूद भी वो मूवी इतना ज़्यादा कलेक्शन नहीं कर पाई। लेकिन वही चीज़ की एक्शन के मामले में हमें एक नई चीज़ देखने को मिली, न्यू वर्सिटैलिटी देखने को मिली। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप लोगों को क्या लगता है कि ये मूवी लाइफ टाइम कलेक्शन कितना कर सकती है? मेरे हिसाब से 650 से 700 करोड़ ये मूवी ईजिली टच कर जाएगी। आपकी क्या राय है, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।